फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हूँ होठों के मुहासों को दूर करने के कुछ उपचार। कई बार लड़के और लड़कियों को ज्यादा गर्मी की वजह से होठों पर मुहासे या फिर फुंसी निकल आती है, जिसकी वजह से उसे ठीक करने के लिए वो किसी न किसी से कोई ना कोई टिप्स तो लेते ही रहते हैं। तो आइए आज एक बार नजर डाल लेते हैं मेरी भी टिप्स पर। नंबर 1 है टूथपेस्ट। मुहासों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा और घरेलू नुस्खा है टूथपेस्ट। यदि आपके होठों पर मुहासे हो गए हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश कीजिए और उसके बाद तौलिए की सहायता से हल्के हल्के हाथों से चेहरे को पोंछिए। उसके बाद टूथपेस्ट को मुहासों पर लगाइए और सूखने दीजिए। सूखने के बाद इसे नॉर्मल हाथों से या फिर गीले हाथों से हल्का हल्का करके साफ कर लीजिए। यदि आप इस प्रक्रिया को एक दिन में 2 से 3 बार या फिर 2-3 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके लिए फायदा रहेगा। टिप नंबर 2 है नीम का पेस्ट। नीम का पेस्ट बनाने के लिए नीम की 2 से 3 पत्तियों को थोड़े से पानी के साथ अच्छे तरीके से पेस्ट बना लीजिए और फिर इस पेस्ट को मुहासों पर लगाकर हल्के हल्के हाथों से रगड़िए। ऐसा करने से आपके मुहासे जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। यदि आप इस प्रक्रिया को 1 से 2 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। टिप नंबर 3 है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल को एक चम्मच के अंदर लीजिए और इसे मोमबत्ती की लो पर गर्म कर लीजिए। जब ये तेल हल्का हल्का गर्म हो जाए तो इसे अपने मुहासों पर लगाइए। जैतून या फिर ऑलिव ऑयल तेल के मुहासों पर लगते ही मुहासे अपने आप फूट जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गायब भी हो जाते हैं। नंबर 4 है नारियल का तेल। नारियल के तेल को भी आप जैतून के तेल की भांति ही गर्म करके अपने मुहासों पर प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 5 है पानी। जी हाँ, यदि आपकी स्किन और होठ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। अपने चेहरे को और अपने होठों को पानी से गीला करिए और फिर उसे हवा से सूखने दीजिए। होठों और चेहरों को साफ करने के लिए टॉवल का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे घरेलू उपचार जिनका इस्तेमाल करके आप होठों के मुहासों का इलाज कर सकते हैं घर बैठे। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।